हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान। इसका ये पार्ट नंबर फर्स्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे लगभग 20 क्वेश्चन, और जे 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से लिए गए हैं। मीन्स लूसेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब जितने भी हमारे लोड इम्पोर्टेंट लाइनें हैं लूसेंट की, जो मैंने आपको पढ़ने बोला था, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। और आप जो हैं, आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं, और आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल के हैं। आपको लगेंगे बट आपने समझना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लूसेंट की लैंग्वेज है और उसी से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसी से हमने टाइप करे हैं, हमारी टेक्निकल टीम ने टाइप करे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लूसेंट से लिए गए हैं। और आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा हाई लेवल का नहीं समझे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फैक्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा हाई लेवल की वीडियो ना समझें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको मिलती रहे HP पुलिस के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारे जितने भी जैसे 20 क्वेश्चन हैं, आपको मैं वेट लगाता हूं कि 20 क्वेश्चन हैं बट आपके 60 से 80 फैक्ट जो है वो इन 20 क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आपको हिम्मत रखनी है वीडियो को देखते वक्त, ठीक है, एंड तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है आप अटेम्प्ट करें और पढ़ें भी, ठीक है, और बाद में बताएं कि आपका रिवीजन में कितना स्कोर हुआ और आपका ऐसे कितना हुआ था। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक, ठीक है। इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी नहीं लिखा है, धर्म निरपेक्ष लिखा है, सॉरी राष्ट्र निरपेक्ष नहीं लिखा है, धर्म निरपेक्ष लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने को ही है इतना बड़ा, बट है नहीं, इसमें कम से कम आपके 4 फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन और 4 फैक्ट, कम समय में ज़्यादा नॉलेज की आपको देने की प्रैक्टिस करी है हमने, लूसेंट से लिए गए हैं सारे फैक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, ये फैक्ट गलत है, ठीक है। आपको नेक्स्ट बताना है धर्मनिरपेक्ष शब्द को बतालीवे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये बिल्कुल सही है, ये आपको लर्न होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष, HP पुलिस में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, आपको आंसर देना है बतालीवा संविधान संशोधन। इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। आपको एक फैक्ट ये कॉपी में लिख लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैंने ऐड करे हैं इस वीडियो में, ठीक है। बतालीवा संशोधन कब हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, बतालीवा संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। HP पुलिस में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान का जो बतालीवा संशोधन है वो कब हुआ था, आपने उत्तर देना है 1976, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का डी का बात करते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। आपको HP पुलिस में क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं, आपने उत्तर करना है 3 प्रकार के, 3 कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है सेकंड क्वेश्चन कि हमारे संविधान में जो है वो न्याय कितने, कौन से देश से प्रभावित हुए हैं, लिए हैं, ठीक है, वो रूसी क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने सीधा सीधा आपने ये बताना है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बहुत से फैक्ट आपके क्लियर होने वाले हैं,
आपको एचपी पुलिस में इस प्रकार से आ गया कि भारतीय संविधान में संप्रभु भारत क्या होता है, क्या अर्थ होता है इसका, तो आपका सबसे पहला जवाब होगा भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ होता है कि भारत एक संप्रभु देश है, ठीक है, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, भारत एकदम आज़ाद है, एकदम इंडिपेंडेंट है। सबसे पहला क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का बी का पार्ट देखिए, भारत किसी अन्य देश के उपनिवेश नहीं है, ठीक है, इसका भी मतलब यही है। नेक्स्ट, भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी भी अन्य देश को दे सकता है, अपनी मर्जी से दे सकता है, बिकॉज वो किसी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये भी सही है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं है, इसका अर्थ बिल्कुल गलत है, इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, बिकॉज इसकी सलाह लेना ठीक है बट इसकी बात मानना ही मानना ये बाध्य नहीं है, ठीक है, हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं के एम मुंशी, बार बार रिपीट हो सकता है क्वेश्चन ये, के एम मुंशी जो है वो उनका संबंध किससे था, भारतीय संविधान की प्ररूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्ररूप समिति के एम मुंशी के अलावा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ के एम मुंशी जो थे वो अकेले कांग्रेसी थे इस सभा में, ठीक है, बाकी अन्य पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। दोस्तों आपको इस वीडियो में बोर बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे फैक्ट जो है वो आप अपनी अपनी लूसेंट की बुक से या लूसेंट की बुक या भारत दर्पण में देख सकते हो, ठीक है। वेरूवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है, 1960 टिक लगानी है डायरेक्ट ही। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से धर्मनिरपेक्ष, जैसे बोलते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष शब्द पीछे समझाया आपको कि भारत के कौन से संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, बतालीवा संशोधन, और कब हुआ था, 1976 में हुआ था, और एक्चुअल में जो है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सभी संविधान समान हैं और सरकार उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। धर्मनिरपेक्ष का कभी भारत में ऐसा आ जाए आपको क्वेश्चन एचपी पुलिस में कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, आपको लिखना है, ऑप्शन टिक लगाना है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी जो है भारत में सभी धर्म जो है वो समान है और इसमें सरकार का समर्थन प्राप्त होता है सभी धर्मों को, ना कि किसी एक धर्म को, ठीक है, सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में क्या बताया गया है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता बोल सकते हैं, इसे समता को समानता बोल सकते हैं, सामाजिक समानता का अर्थ होता है अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समाज के किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, बिकॉज यहाँ पर सभी वर्ग जो हैं वो सामाजिक समानता रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ की। क्वेश्चन नंबर एट्थ में क्या बताया गया है, आपको रिवीजन भी करनी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर एट में क्या बताया गया है, निम्न में से किस से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने के क्वेश्चन के चांस है। अंतवक, फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। इसका सही जवाब जो है किसने कहा था, अर्नेस्ट वर्कर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या बताया गया है, बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, संविधान भारत का भाग नहीं है। केशव भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसके बारे में, संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कैनेडा संविधान से लिया गया है। इसमें आपने टिक लगानी है लास्ट, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है,
इसमें आपने कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस देश से लिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। इसमें दो फैक्ट है, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन है आपका एचपी पुलिस में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना, अकेली प्रस्तावना हो तो वो आता है अमेरिका से, ठीक है। यदि प्रस्तावना की भाषा आ जाए तो आता है ऑस्ट्रेलिया आंसर। अकेली प्रस्तावना आए तो अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा आए तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का किससे संबंध है, संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक जो है आपका सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए ऐड करे गए हैं इन क्वेश्चन में, आप इन्हें लेंथी ना समझें। लेंथी बनाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आपको एक ही क्वेश्चन से 4-5 फैक्ट जो है वो क्लियर होते जाएं, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है और हम एक क्वेश्चन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं। यही हमारा मोटिव है लेंथी क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें भी 4 फैक्ट ऐड किए गए हैं, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पहला फैक्ट है, भारत में नागरिक जन्म से प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में जो भी नागरिक है जन्म से राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखता है, योग्यता रखता है, आपको लिखना है हाँ रखता है। फिर अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, मीन्स जो भी इसमें अन्य अदर सिटीजन आए वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, इसमें आपने ये रखना है याद। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा देश में जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें क्वेश्चन आपका आ जाएगा आंसर अमेरिका, क्या जाएगा अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, 1955 में। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें ही डी ऑप्शन है, भारतीय संविधान में भाग 3 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जहाँ बारे में कहा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट होगा। विकाउस क्यों करेक्ट होगा, विकाउस ये जो है नागरिकता का के बारे में भाग 2 में बताया गया है, ना कि 3 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में कौन से भाग में बताया गया है, आपको टिक लगानी है। आपको ऑप्शन होंगे भाग 1, 2, 3, 4, ठीक है, आपको टिक लगानी है भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इस 12वें क्वेश्चन से ही आप देख लीजिए कि आपको 5 से 6 फैक्ट क्लियर हो गए। आपका बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही फ़ायदा है और यही आप हमारा मोटिव है कि आपको थोड़े समय में ज़्यादा फैक्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। भारत में नागरिकता हासिल करने में कौन सा तरीका वैध है, जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समावृष्टि से, द्वारा, उपयुक्त सभी। इसमें सभी करेक्ट हैं, सभी मीन्स दी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया है, आपको इसमें गलत चुनना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट पहला फैक्ट है, आपको इसमें भी 4 फैक्ट को जानने को मौका मिलेगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि पुलिस में क्वेश्चन आएगा, भारत में नागरिकता किस प्रकार से है, एकल, 2, 2 या 3 या 4, 4 प्रकार की नागरिकता है या 1 प्रकार की है या 2 प्रकार की या 3 प्रकार की, आपको लिखना है कि हमारी
जो भारत की नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, मीन्स एकल नागरिकता है। ठीक है, पहला तो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको देश की नागरिकता प्राप्त हो और आपको राज्य की नागरिकता प्राप्त ना हो, ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है और सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन एचपी पुलिस में इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप किस देश से ली गई है, आपको उत्तर करना है ब्रिटेन। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आपको उत्तर देने होंगे। तो आपको टिक लगाना है भारत की सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 15 क्वेश्चन है हमारा, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है, खुद त्याग से मीन्स स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी से, फिर नागरिकता से वंचित करके, या उपयुक्त सभी। इसका अर्थ है उपयुक्त सभी। भारत की यदि अगर आप नागरिकता हमारे देश की भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति त्यागना चाहे तो आप वो खुद भी त्याग सकता है, जहां उसे बर्खास्त किया जा सकता है, जहां उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं, जो प्रवासी भारतीय नागरिक होते हैं वो किसे कहा जाता है। प्रवासी नागरिक वो होते हैं जो ऑप्शन ए में लिखा गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज किया गया कोई व्यक्ति उसे प्रवासी नागरिक कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी को भारत में भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो उसे भी प्रवासी भारतीय नागरिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति PIO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हर एक क्वेश्चन में आपके इफेक्ट हैं। PIO की फुल फॉर्म होती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। इसका सही होगा कौन कहलाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यदि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन वही कहलाते हैं यदि PIO कार्ड धारक सात वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसे आवेदन करने के पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में जो भी नागरिक हो उसे क्या PIO से नागरिकता दी जा सकती है, तो हाँ दी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या बताया गया है, OCI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि भारतीय संविधान में OCI की क्या फुल फॉर्म है। OCI की फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ए, बिकॉज ये बिल्कुल गलत है। ओवरसीज सिटीजन धारक राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस में रजिस्ट्रेशन की छूट मिलती है, वह पूरे भारत में बिना वीजा में यात्रा कर सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में बिना वीजा के यात्रा कौन कर सकता है, ओवरसीज सिटीजन या PIO जो आपने पीछे पढ़ा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, ठीक है, वो कर सकता है या ये कर सकता है। आपको ऑप्शन में से चार ऑप्शन होंगे और आपको लिखना है कि भारत में बिना वीजा के यात्रा जो है वो OCI कार्ड वाला व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। इसका उत्तर होगा
इनमें से कोई नहीं, बिकॉज ये सभी अधिकार जो हैं वो भारतीयों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये बताया गया है कि आपको मैचिंग करने हैं, जो मैचिंग नहीं है वो आपको चुनना है। आपको क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट में क्या बताया गया है, भारत का जो पांचवा अनुच्छेद है, पांचवा आर्टिकल संविधान लागू होने के लिए स्वतंत्र है, संविधान लागू होने के समय स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पढ़िए, क्या बोला है, संविधान अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति को नागरिकता जो भारत से बाहर निवास कर रहे हों, इसका संबंध भी बिल्कुल सही है। गलत जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बिकॉज अनुच्छेद 7 जो है वो इससे संबंधित नहीं है, और अनुच्छेद 10वां अनुच्छेद किससे संबंधित है, नागरिकता अधिकारों में की नियंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 10वां इससे जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन करिए आप जल्दी से, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया गया है कि आपको असत्य फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 26 जनवरी 1950 आएगा यहाँ पर, बिकॉज क्वेश्चन आपको एचपी पुलिस में इस प्रकार से आ सकता है कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो कब है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो है वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, संप्रभु भारत किसे कहते हैं, संप्रभु भारत किसे कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है कि के.एम. मुंशी का संबंध आपको किससे बताया गया था, कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित था, 1960 से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा राज्य होता है जिसमें सभी धर्म समान होते हैं और सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है कि सामाजिक समानता किसे कहते हैं, जिसमें समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं होते हैं, सभी धर्म समान होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत संविधान की कुंजी नोट कहा गया है, इसका अर्थ है यह अंग्रेज है, अर्नेस्ट वाकर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर आपने याद रखना था, टी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये सभी गलत थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपने दो फैक्ट पढ़े थे, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया था, तो आपका हो जाएगा अमेरिका। यदि भाषा आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, तो आ जाएगा आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से लेकर 11 तक किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो, इसमें क्वेश्चन आपको फैक्ट क्या बताया गया था कि आपने याद रखना है कि भारतीय जो संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, इतना सा फैक्ट याद रखना है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया था, भारतीय संविधान में यदि आप नागरिकता हासिल करना चाहते हो तो उसका वैध तरीका क्या है, जन्म से कर सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सभी तरीके से आप कर सकते हो। 14वें का क्या आंसर सही है, इसमें आपने फैक्ट याद रखना है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में यदि आप नागरिकता त्यागना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, तो किस प्रकार से समाप्त किया जा सकती है, स्वेच्छा से, बिल्कुल सही, बर्खास्तगी से, सही है।
नागरिकता से वंचित करके। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने ये बताना है कि प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। प्रवासी नागरिक ओ इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 के क्या बताया गया है। पीआईओ कौन से नागरिक होते हैं। पीआईओ होते हैं यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता, यदि वो अप्लाई करे तो उसे नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया था। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया गया था। जो सुविधा विदेशियों को नहीं है और भारतीयों को है। भारतीयों को ये सभी सुविधाएं प्राप्त है और इनमें से कोई भी सुविधा विदेशियों को नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बताया गया आपको मेल करना था। इसमें सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज आर्टिकल नंबर 7 इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ संविधान के 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। पहला चैप्टर था इसमें प्रस्तावना, दूसरा चैप्टर था भारतीय नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर जानने को मिला है, यदि आपको इस वीडियो का लेवल घटाना है तो आप निश्चित रूप से आपको बता सकते हो, अपने अपनी सुजेशन दे सकते हो कि इस वीडियो का लेवल थोड़ा सा लेस करना होगा आपको, तो भी बता देना। नहीं तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको लूसेंट से देते रहेंगे बना बना कर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।